मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पंचायत चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई जगहों पर कांग्रेस प्रत्याशी पर दबाव डालकर मंत्री अफसर नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं। मामले में कमलेश्वर पटेल से बात की हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने। हमारे साथ कमलेश्वर पटेल हैं, कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री। सर सर, विंध को लेकर अगर बात करें तो कई जगहों पर दो दो नाम है, खासतौर पर अगर रीवा की बात करें तो वहां पर कविता पांडे, अजय मिश्रा, तमाम जगहों पर। क्या इन विंध के नामों को लेकर सिंगल नाम पर सहमति बनी है? देखिए, अभी सभी जो प्रभारी सह प्रभारी जिले के वरिष्ठ नेता सबसे चर्चा किया है और सबकी अभिमत ली है और सर्वे भी कराया है पार्टी की तरफ से। इसमें से जो भी उपयुक्त होंगे, जो जिताऊ होंगे, जो पार्टी के प्रति समर्पित होंगे और जिनका अच्छा जनाधार होगा, ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस के लिए बार बार ये कहा जाता है कि विंध में स्थितियां इस बार बेहतर हो सकती हैं, तो इसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी? सिर्फ विंध नहीं, पूरे प्रदेश में बेहतर होगी। विंध की क्यों बात, पूरे प्रदेश में निकाय सरकार बनेगी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत की भी सरकार कांग्रेस की बनेगी और नगरीय निकाय की भी सरकार कांग्रेस की बनेगी और विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी से बनेगी। जो मुख्यमंत्री समरस पंचायत के लिए पहल कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है और चुनाव लड़के अगर आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अगर पूरे गांव के लोग, ग्राम पंचायत के लोग अगर सहमत हैं और सहमति से कोई नॉमिनेशन नहीं करता, कोई इतना पॉपुलर है, बहुत बढ़िया समाज सेवा कर रहा है, तब तो ठीक है। पर दबाव देके, जैसा कि किसी विधायक ने दबाव देके नॉमिनेशन नहीं करने दिया या सरकार के दबाव में अधिकारी कर्मचारी दबाव दें, भाजपा के सरहंग लोग दबाव दें, तो ये गलत है। इस तरह का चुनाव कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। तो यहाँ पर जो है समरस पंचायत को लेकर पूर्व मंत्री जो है पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं विंध के साथ साथ पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत का दावा भी किया। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल।